साइबर सिटी में लगातार खतरनाक होते जा रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब गुरुग्राम पुलिस ने कमान संभालते हुए 20 पीसीआर गाड़ियों को तुरंत एम्बुलेंस में तब्दील करने की तैयारी कर ली है, जिसके चलते किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों को दवा से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। पुलिस आयुक्त ने नगर निगम GMDA जिला प्रशासन गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के साथ पार्षदों की वर्चुअल मीटिंग में एकजुट होकर महामारी से मुकाबला करने की बात कही। आज की मीटिंग का ये मुद्दा था केवल कि हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क लाइन बनाई है, जिसके कारण कि लोगों के अंदर पैनिक है कि कहाँ जाएं, क्या करें, या एम्बुलेंस का है या कोई और दूसरी छोटी चीजें हैं जिनको कि एक इकट्ठा हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। इस वर्चुअल मीटिंग में जहां नगर निगम शहर भर को डी इफेक्ट करने की दिशा में सैनिटाइजेशन करवाएगा, तो वहीं GMDA और अन्य विभाग अस्पतालों में बेड की व्यवस्था के साथ साथ कोरोना संबंधी दवा और इंजेक्शन की सप्लाई पर नजर रखेंगे। वहीं जिला में कोरोना संक्रमित मरीजों को बेड न मिलने और रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने, ऑक्सीजन की किल्लत के चलते अराजक स्थितियों के सवाल पर पुलिस आयुक्त की माने तो पुलिस ने कमान संभाल ली है और जल्द ही सुविधाएं लोगों तक पहुंचेंगी, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा कि हमने कुछ वाटर कैनन लेके जिसके अंदर डी इन्फेक्शन जहाँ जहाँ नैरो मार्केट्स हैं जहाँ से इन्फेक्शन फैल रहा है या जिस एरिया में इन्फेक्शन फैल रहा है, तो वहाँ इन वाटर कैनन की मदद से और MCG की मदद से हम लोग वहाँ पे ये छिड़काव करेंगे ताकि इन्फेक्शन और कम हो। वहीं जहां तकरीबन सभी अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला मौजूदा व्यवस्था पर कटाक्ष कर ट्वीट जारी कर बदहाली को बयां कर गृह मंत्री से मिलने अंबाला जा चुके हैं, तो वहीं पुलिस और अधिकारियों के इस संयुक्त प्रयास का क्या सार्थक परिणाम सामने आता है, ये कुछ दिनों में जरूर साफ हो जाएगा। पंजाब के CCTV के लिए गुरुग्राम से नीरज विशिष्ट की रिपोर्ट।